विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एसडीएम माट ने सोमवार को तहसील मुख्यालय पर बीएलओ व सुपरवाइजर्स की बैठक लेकर आयोग के निर्देशों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लिस्ट में किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। यदि जांच में ऐसा कोई मामला पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नामांकन शुरू होने तक चलने वाले अभियान के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नामों को बढ़ाने के साथ ही लिस्ट से छूटी महिलाओं के नाम बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अभियान के दौरान वोटर लिस्ट में गलत दर्ज नाम व पतों को सही करने के साथ ही मृतकों व अन्य स्थानों पर चले गए मतदाताओं के नामों को भी हटाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे निष्पक्षता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के 32 सुपरवाइजर और 380 बीएलओ मौजूद रहे। इस मौके पर नायब तहसीलदार जयप्रकाश सिंह, विनोद चौधरी, मोहन सोलंकी आदि उपस्थित रहे। बीएलओ और सुपरवाइजर दोनों लोगों की मीटिंग ली गई है। उनमें ये बताया गया है कि माननीय आयोग द्वारा जो भी निर्देश हम लोगों को प्राप्त किए कराए गए हैं उनको उनके तक पहुँचाने का कार्य किया गया है। जैसे 12 जनवरी को सभी बीएलओ अपने बूथ पर रहेंगे और मतदाता सूची वोटर लिस्ट को पढ़कर सबको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किनका किनका नाम बढ़ाया या घटाया गया है ताकि किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति मतदाताओं के मन में ना रहे। इसके साथ साथ और ये भी बता दिया गया है कि जो वोट बढ़ाने का कार्य है कैसे किया जाएगा, किस माध्यम से किया जाएगा। बल्क में उन्हें कोई भी फॉर्म प्राप्त नहीं करना है और जो भी फॉर्म 6 प्राप्त करें उसकी वैधता की और सत्यता की जांच बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आपको किन अवसरों पर प्रशासन को सहयोग करना है और इलेक्शन में हमें जो है आप इलेक्शन के एक दिन पहले बूथ बनवाने में भी सहयोग प्राप्त कराएंगे। पर्ची मतदाताओं को घर घर जाके पर्ची बांटेंगे ताकि मतदान का परसेंटेज पिछले चुनावों से ज़्यादा हो और सभी लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि चुनाव आयोग की मंशा है। सर, ये नाम घटाने और बढ़ाने का काम कब तक चलेगा? नाम जो है बढ़ाने का काम जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और जिस दिन जो नॉमिनेशन का अंतिम दिन होता है उसके एक दिन पहले तक ये प्रक्रिया चलती रहती है।